हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय प्रेगनेंसी केयर। और मैं हूं आपके साथ अर्चना। तीसरा महीना प्रेगनेंसी का, इसमें कई तरह के नए चेंजेस आते हैं और साथ ही साथ कुछ चीज़ों का हमें अभी भी ध्यान रखना है। ये ज़रूरी है, अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो मिस कैरेज का खतरा जो है बना रहता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड मंथ में क्या नए चेंजेस आते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला चेंज जो आप प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में देखेंगे कि आपकी स्किन में एक तरह का चेंज आप देखेंगे। आपकी स्किन में जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो थोड़ा बढ़ने लग गया है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में थोड़े दाग धब्बे या कुछ काले काले जो है स्पॉट्स जैसे देखने को मिल सकते हैं। और ये एक नया चेंज है जो कि प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में देखने को मिल सकता है। अगली चीज़ जो आप प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में देखेंगे कि अगर आपको अभी तक शुरुआत के दो महीनों में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, तो आप थर्ड महीने में देखेंगे कि वॉमिटिंग होना जो है पहले से कम हो जाएगा और आपको इसमें राहत मिलेगी। अगली चीज़ जो प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में देखने को मिलेगी कि आपको जो है यूरिन पास ज़्यादा करेंगे आप, यानी कि आपको टॉयलेट बार बार जाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो एसजी हार्मोन जो है हमारा बॉडी में वो बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो यूट्रस है उस पर भी दबाव पड़ना थोड़ा शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आपको टॉयलेट जो है बार बार जाना पड़ेगा, यानी कि यूरिन जो है आपको ज़्यादा पास करेंगे। अगली चीज़ जो आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में आपके पैरों में जो है सूजन आना शुरू हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए एक तो बॉडी में नई चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, साथ ही बेबी का वेट भी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इस वजह से कुछ लेडीज़ को थर्ड मंथ से ही पैरों में सूजन आने की यानी कि स्वेलिंग आने की दिक्कत जो है हो जाती है। अगली चीज़ जो आप देखेंगे कि आपके जो है सीने में जलन जैसा होने लग जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है, तो यूट्रस का साइज़ बढ़ने से आपके पेट पर जो है दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होनी थोड़ी शुरू हो जाती हैं, यानी कि पाचन तंत्र थोड़ा बिगड़ सकता है, और जिस वजह से कई लेडीज़ को प्रेगनेंसी के इस थर्ड मंथ में जो है सीने में जलन वगैरह होने लग जाती है। अगली चीज़ आप देखेंगे कि ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो और बढ़ रहा है। सेकेंड मंथ से ही आपने देखा था कि ब्रेस्ट का साइज़ धीरे धीरे बढ़ रहा था, साथ ही साथ जो आपके निप्पल के आसपास का एरिया है वहाँ पे जो घेरा था काला वाला वो और बढ़ जाएगा और कुछ दाने भी वहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे कि थर्ड मंथ में जो ब्रेस्ट में चेंजेस जो हैं आ रहे हैं। अगली चीज़ आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा यूट्रस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बच्चे का साइज़ बढ़ रहा है, यूट्रस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पेट के निचले हिस्से में दबाव पड़ता है और दर्द हो सकता है। और अगर हम बात करें बच्चे के यानी शिशु के विकास के बारे में, तो थर्ड मंथ में बच्चे का जो साइज़ है वो एक नींबू जितना हो जाता है और उसके धीरे धीरे जो उसके ऑर्गन्स हैं, उसके अंग हैं, वो बनना जो है अब शुरू हो गए हैं। ये तो हमने बात की कि प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको अभी भी किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको मिसकैरेज ना हो और आपकी प्रेगनेंसी जो है हेल्दी रहे। सबसे पहली चीज़ कि आपको जो है एक बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट मतलब आपके खाने में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फ्रूट्स ही खा रहे हैं, आपको दालें और आपको पनीर, आपको ड्राई फ्रूट सब कुछ जो है अपने डाइट में थोड़ा थोड़ा शामिल करना है। साथ ही साथ अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखना है, यानी कि पानी भी अच्छे से पीना है। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखें कि कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपको डेली पीना ही चाहिए। दूसरी चीज़ कि अभी भी आपको जो है अच्छा रेस्ट लेना है। ऐसा ना हो कि आप जो है बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले रहे हैं, रेस्ट अच्छे से लेना है। अपनी नींद कम से कम 8 से 9 घंटे आपको पूरी करनी है। साथ ही इस टाइम पे भी आपको ट्रैवल अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे अभी भी मिसकैरेज का खतरा जो है बना हुआ है। इस टाइम पर एक ही पोजीशन में खड़े ना रहें या बैठे ना रहें या फिर पैर लटका के ना रहें, क्योंकि इससे आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में आपको क्या करना है, एकदम से बहुत ज़्यादा खाने की बजाय आपको थोड़ी थोड़ी देर में जो है कुछ कुछ खाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे तो आप बहुत ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहेंगे, साथ ही साथ जो कभी कभी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है वो ऐसा नहीं होगा, आपको अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और आपका वेट गेन जो है बहुत ज़्यादा ना होने के बजाय एक अच्छा वेट गेन होगा। वैसे तो प्रेगनेंसी के हर मंथ में ही प्रेग्नेंट लेडी को खुश रहना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि ये जो थर्ड मंथ है इसमें भी आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, तनाव नहीं लेना है, पॉजिटिव सोच रखनी है, अपने आपको खुश रखना है। जिन लोगों से मिलकर आपको अच्छा लगता है उनसे बात करें, और जिन लोगों से मिलकर अगर आपको लगता है कि टेंशन हो रही है तो आप मत करें उनसे बात। मतलब ओवरऑल आपको अपनी प्रेगनेंसी में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है।
क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो इससे आपको और आपके होने वाले बच्चे दोनों को ही नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में अभी भी आपको गर्म तासीर वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, आपको कच्चा पपीता नहीं खाना है, पाइनएप्पल या अनानास जो है आपको अभी भी नहीं खाना है। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने बात की कि प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में क्या क्या नए चेंजेस जो हैं प्रेग्नेंट लेडी में आते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। इसके अलावा मैंने प्रेगनेंसी के पहले महीने, दूसरे महीने में क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में प्रेग्नेंट लेडी के, इन पर भी वीडियो बनाई है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप, मैं उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप चाहते हैं कि हम आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे भी हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।